आ जाइए, क्योंकि जो कल आपका 17 मार्च का पेपर है उसके लिए ये सारे पेपर मैं आपको बता रहा हूँ हल सहित। बिल्कुल आपको पूरा का पूरा एक एक प्रश्न का उत्तर मैं बता दूंगा, एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, सारे उत्तर बताऊंगा बिल्कुल शुरू से लेकर के तो आखिरी तक। बिल्कुल आप बने रहिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इनमें से सारे क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा इस लाइव क्लास में। ये आपकी महा मैराथन क्लास होने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, इस लाइव क्लास से आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में, क्योंकि ये 100% आपके सिलेबस पर आधारित है। आप शुरुआत से लेकर के तो अंत तक सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन में बताऊं उनको आप देखेंगे और हल करेंगे। चलिए, बिना समय व्यतीत स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। मान लीजिए ये पैसेज आपके सामने आती है, तो जो इसके नीचे जो प्रश्न दिए उनके उत्तर बताऊंगा मैं। देखो, पैसेज में थोड़ा सा पढ़ के बता रहा हूँ। लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन इम्पीरियर हु फियर्ड ग्रोविंग ओल्ड। वन डे ही सॉ एन ओल्ड मैन। ठीक है, ये वाली अगर पैसेज आए तो आप उत्तर लिखेंगे। देखिएगा, सबसे फर्स्ट वाला इसमें क्वेश्चन दिया है, द इम्पीरियर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। तो इसमें याद रखें, बिकॉज इट रिमेंड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। ठीक है, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट में। और सेकंड उत्तर देखो, द पीपल सो द गोल्डन पिक्चर। तो इसमें आप लिखेंगे इन अ टेक नियर बाई, इन अ टेक नियर बाई, ये लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप थर्ड वाला देखिएगा, इसमें आपको समझना है ये क्या दिया है आपको, द इम्पेरियर्स ऑर्डर वेयर दैट ऑल द। तो यहाँ लिखना है ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। ठीक है, इस प्रकार से। और इसके बाद में यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है इसको समझेंगे, व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिचर गेट। तो इसमें आप लिखेंगे आ हैंडफुल ऑफ वाटर, आ हैंडफुल ऑफ वाटर लिखेंगे। इसके बाद में द इम्पीरियर फियर्ड, तो इसमें लिखेंगे गेटिंग ओल्ड लिखेंगे। और इसके बाद में जो दूसरी आपको पैसेज दी गई है, इस पैसेज को शुरुआत में मैं पढ़ के बता रहा हूँ, फिर उसके सारे उत्तर बताऊंगा। देखो, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू इनटू एन इंडिगो एयर बस अबाउट टू टेक ऑफ एट पटना दिस मॉर्निंग। अगर ये आती है तो आपको लिखना है सारे जो क्वेश्चन के उत्तर में बता रहा हूँ वो। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है क्लोज शेव मीन्स। अगर क्लोज शेव मीन्स ऐसे प्रश्न आपके सामने आता है तो आप उत्तर में लिखेंगे सेकेंड वाला, अ नेरो स्केप। ये पूरा 100% आपके सिलेबस पर आधारित है, ये भी याद रखेंगे आप सभी। जो आपकी ब्लू प्रिंट आई है उस ब्लू प्रिंट पर है पूरा का पूरा। ठीक है, देखिए, वाई डिड द बर्ड्स फ्लाई इन टू द प्लेन। तो इसमें आपको उत्तर में याद रखना है ये वाला, ऑप्शन नंबर डी, एज द बर्ड्स वेयर अट्रैक्ट टू द वेस्ट फाइल ऑफ नियर द एयरपोर्ट। ठीक है, ये आएगा इसका करेक्ट उत्तर। और इसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है उसको आप समझेंगे, द पैसेंजर्स वेयर अलाउड टू गेट ऑफ द प्लेन। तो इसमें आएगा आफ्टर द प्लेन वॉज टेकन टू द पार्किंग। ठीक है, ऐसे आप इसमें लिखेंगे। और नेक्स्ट दिया, द एयर बस इज, तो लार्ज प्लेन, लार्ज प्लेन इसका करेक्ट उत्तर होगा। द एयर बस इज अ लार्ज प्लेन, इज ए लार्ज प्लेन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द प्लेन आफ्टर द पैसेंजर्स वेयर टेकन ऑफ। तो इसमें लिखेंगे आप, इट वॉज डिस्कार्डेड, इट वॉज डिस्कार्डेड, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में सेक्शन बी में देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली गिवन द सुटेबल टाइटल एंड मेक प्रॉपर नोट्स। इसमें नोट्स बनाने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको नोट्स बनाना है, तो उसी में से आपको लिखना है छांट कर। इसके बाद में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर रवीना टंडन स्टडिंग इन गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 डेज लीव। और इसके बाद में लेटर है, ये लेटर कांग्रेस रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड ₹5,000 बाई मनी ऑर्डर टू पे यूअर स्कूल फीस एंड बस सम बुक्स। ठीक है, बॉय सम बुक्स। और इसके बाद में निबंध वाला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, एनी ग्रेट लीडर, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। अब मैं आपको जो उत्तर बता रहा हूँ वो समझो आप। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स के ये सेट वाले हैं, इनके उत्तर समझेंगे। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, गंगा इज ए सेरेड रिवर। तो द आएगा गंगा, द गंगा लिखेंगे, ए इन द ये आर्टिकल है आपके, तो इसमें द लिखेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, प्लीज स्प्रीड बटर ऑन ब्रेड। तो इसमें आपको अ लिटिल लिखना है,
अ लिटिल, प्लीज स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड, ठीक है। और द अर्थ अराउंड द सन, तो इसमें आपको लिखना है मूव्स, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इस प्रकार से। तो मूव्स आपको इसमें करेक्ट लिखना है। इसके बाद में हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे, तो मैनी लिखना है, हाउ मैनी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे, ठीक है, इस प्रकार से। तो मैनी का यूज़ होगा। वेन आई वॉज यंग आई क्लाइम ट्रीज, तो इसमें आप लिखें कुड, आई कुड, आई कुड, आई कुड क्लाइम्स ट्री, ऐसे लिखना प्यारे मित्रों, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। इसके बाद में वी, वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो ऑट, इसमें ऑट लिखना, वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। तो इसमें मस्ट और ऑट दिया है तो ऑट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, आई टेक यूर पेन, तो मैं लिखेंगे यहाँ पर, आप खाली स्थान में क्या लिखेंगे, मैं, एम ए वाई, मैं आई टेक यूर पेन, मैं आई टेक यूर पेन। इसके बाद में ही नोज द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, तो हु लिखेंगे, हु और वेयर में से चूज करना है। तो ही नोज द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, ठीक है, वेयर और हु में से हमें हु चूज कर देना है। और इसके बाद में ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, डू एज डायरेक्टेड, ही डिड हिज वर्क चेंज इंटू इंटरोगेटिव, तो कैसे बनेगा, ही डिड नॉट डू हिज वर्क, ठीक है, ही डिड नॉट डू हिज वर्क, ऐसे बन जाएगा। इसके बाद में ये देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, इसमें रिराइट द सेंटेंस इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, मतलब कि आपको अनलेस के स्थान पर इफ लगाना है। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, इस प्रकार से आपका इसमें करेक्ट बन जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमन इज ए वेरी इंटेलिजेंट, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास द एग्ज़ाम ईजिली, कम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग सो देट, इसमें सो देट का आपको यूज़ करना है, ठीक है, और कम्बाइन करना है। तो आपको इसमें क्या करना है, कम्बाइन कर देना है सो देट का यूज़ करके। तो कैसे बनेगा, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट सो ही कैन, सो देट ही कैन पास द एग्ज़ाम ईजिली, ठीक है, अमन इज सो, ऐसे करके आपको पूरा बना देना है जिसे मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद में ये देखिएगा, ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ चुका है, दे आर सेलिंग दियर हाउस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। तो कैसे बनेगा, दे हैव सोल्ड दियर हाउस, दे हैव सोल्ड दियर हाउस, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा, दे हैव सोल्ड दियर हाउस, किसका बना है, दे आर सेलिंग दियर हाउस का बना है। ही टीच हिंदी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देखो इसमें आपको वॉइस चेंज करना है, ही टीच हिंदी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसमें बनेगा हिंदी इज टॉट बाई अस बाई हिम, हिंदी इज टॉट बाई अस, ठीक है, अस बाई हिम, ऐसे लिखना है। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, तो इसमें आपको टी इज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक, टी इज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक, ऐसे आपको इसमें बना देना है, ठीक है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर दिया, ही टॉट इंग्लिश चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है, ही इज टीच इंग्लिश, ठीक है। और अब मैं आपको सेक्शन डी के बता रहा हूँ, इनको आप समझेंगे एक ही बार में, करेक्ट उत्तर याद रखेंगे, बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी सिक्स, हाउ मच मनी डिड लेंचो वेंट, तो 100 पेसोस, ठीक है, इसमें आपको लिखना है 100 पेसोस, मतलब 100 पैसे, ऐसा है इसका अर्थ पूरा। इसके बाद में लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेनड्रॉप्स विथ, तो न्यू कॉइन्स, इसमें आपको लिखना है न्यू कॉइन्स, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझेंगे, हाउ मेनी डिप्टी परसेंट्स वेयर सिलेक्टेड, तो इसमें लिखेंगे 2, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो वाले जो पोयम है ना, उसमें फायर स्टैंड इन द पोयम, तो आपको इसमें डिज़ायर लिखना है, क्या लिखना है, डिज़ायर, जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है डिज़ायर, इसका मतलब होता है इच्छा। व्हाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर, तो इसमें लिखना है ड्यू टू स्टॉर्म, ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ, तो आपको लिखना है बॉल, द बॉय वाज प्लेइंग विथ बॉल, ठीक है, लेकिन इसमें हमें बॉल दिया है तो हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर यू। देखिएगा, मिस्टर किसिंग वाज एनीस, तो इसमें एनीस टीचर थे, वो टीचर थे मिस्टर किसिंग, क्या थे वो, टीचर थे, ठीक है।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इसको पढ़कर उत्तर देना है। इसको मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, इसके बाद इसके जो क्वेश्चन दिए ना सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा मैं। 10th में डाउंड ब्राइट एंड क्लियर, तब तक आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इसका। फॉर द पास्ट फ्यू डे आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड बाई, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको देखेंगे। अब मैं इसके जो क्वेश्चन जो दिए हैं उनके उत्तर आपको बता रहा हूँ, तो उत्तर आप याद रखना अच्छे से। देखिए, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो इसमें आपको याद रखना है कौन सा लेसन के बारे में बताया था। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो नेल्सन मंडेला है वो क्या गए थे, बहुत दूर गए थे फ्रीडम के लिए, ठीक है, पैदल, ऐसे लिखना है। इन द अबव टेक्स्ट आई रिफर्स टू, तो नेल्सन मंडेला ये नेल्सन मंडेला को रिफर करता है। इसके बाद में द सेरेमनी टुक प्लेस, तो इसमें प्रिटोरिया इज द करेक्ट आंसर, प्रिटोरिया विल बी द करेक्ट आंसर फॉर यू। अब इसके बाद में रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इस ये एक्सट्रैक्ट भी आपको दी जाती है, जो अपन क्या बोल सकते हैं उसको, पोयम बोल सकते हैं, ठीक है, और इसमें से आपको उत्तर ढूंढकर लिखना होता है। तो बिल्कुल आप उत्तर देखेंगे, पूरी एक्सट्रैक्ट में आपको बताऊंगा और उसके बाद उत्तर देखें। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइस एट ब्रिलियंट स्टार्स। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिए हैं, फॉर्म विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो अ टाइगर इन द जू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। और इसके बाद में सेकंड है, व्हाट डज द स्टेयर एट, तो इसमें लिखेंगे स्टार्स दैट्स मीन तारे, ठीक है, तारे होते हैं स्टार्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड्स ब्रिलियंट, इसमें आपको जो ब्रिलियंट वर्ड दिया है इसका अपोजिट बताना है। अपोजिट बताना है मतलब कि विपरीत बताना है, विलोम बताना है। तो ब्रिलियंट का होता है डल, ठीक है, ब्रिलियंट का होता है डल। डल की स्पेलिंग भी आप याद रखेंगे, DUL L, ठीक है, DUL L, डल। और ये किसका अपोजिट है, तो ब्रिलियंट का अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद में ये आपको क्वेश्चन दिए हैं, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसके बाद नेक्स्ट सेट स्टार्ट करने वाला हूँ। जस्ट देखिए, ये आंसर द क्वेश्चंस इन 30 words, एनी 6, व्हाट कंपेल्ड द यंग सेगुल्स टू फाइनली फ्लाई, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, ये याद करना है आपको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका तो। और इसके बाद में जो 12 वाला क्वेश्चन दिया है, ये 30 words में लिखने हैं इनको, ठीक है। और इसके बाद में ये आपको 15 और 16 पर समझना है। समराइज द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, जो पोयम आपको दी है ना, डस्ट ऑफ स्नो, तो इसको क्या करना है, इसको आपको पढ़ना है। समरी लिखना रहती है उसकी, तो समरी आपको लिखना रहेगी इसकी, ठीक है। और उसके बाद अथवा में जो दिया है उसको समझ लो। व्हाट डज द पोएट से दैट वो इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल, इसमें एक्सप्लेन करना है इसको। एंड देन आपको 16 वाले क्वेश्चन में समझना है, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन टू द इन, तो इसमें जो भी हुआ था वो लिखना है इसमें। और सेकेंड है आपका, व्हाट हरी सिंह इज रिएक्शंस टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, ये आपके कितने अंक का है, 3 अंक का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट सेट पेपर है आपका पूरा का पूरा बता रहा हूँ उत्तर सहित, तो उसको भी आप समझेंगे सारा। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, देयर आर 3 main groups ऑफ ऑयल्स, एनिमल्स, वेजिटेबल्स एंड मटेरियल्स, ग्रेट क्वान्टिटीज ऑफ एनिमल्स ऑयल कम्स फ्रॉम व्हेल्स, ठीक है, वोस एंड रोस्ट क्रिएटर्स ऑफ द सी। तो ये जो अगर आती है तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं जो मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों के उत्तर आप याद रखना प्यारे मित्रों, एक भी उत्तर आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। देखिएगा, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, मतलब कि एनिमल ऑयल का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, व्हेल होता है, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ी मछली जिसको अपन मान सकते हैं क्या है ही सही वो, ठीक है, व्हेल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वेजिटेबल ऑयल्स इज मेनली यूज्ड, मतलब कि जो वेजिटेबल ऑयल है वो मेनली किस में यूज़ किए जाते हैं, तो कुकिंग में यूज़ किए जाते हैं। कुकिंग मतलब होता है खाना बनाना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फूड मेकिंग। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, द लीवर आएगा इसमें, द लीवर ऑफ फिश यील्ड्स नरिशिंग ऑयल, तो जो ये है इसमें आपको लीवर लिखना है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन वेट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है। देखिए, जो प्रोटेक्टिव कवर जो होता है फैट, वो क्या कहलाता है व्हेल का, तो वो कहलाता है ब्लबर, याद रखना।
ठीक है, इसको बिल्कुल भूलेंगे नहीं, सेकंड ऑप्शन में ब्लबर, ब्लबर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड्स प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्ट है उसका नाउन फॉर्म लिखना है, प्रोटेक्ट, प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव इज द नाइम नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड्स प्रोटेक्ट, मतलब कि जो प्रोटेक्ट है उसकी संज्ञावाचक शब्द है प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव इज द करेक्ट आंसर, प्रोएक्टिव सेकंड आंसर। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, द नेशनल हाईवे नेटवर्क ऑफ इंडिया मेजर्स ओवर 17,934 किलोमीटर एज ऑफ 2010 इंक्लूडिंग ओवर 1000 किलोमीटर ऑफ लिमिट्स एक्सेस एक्सप्रेस वे आउट ऑफ 71,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज। ठीक है, अब अगर ये आता है तो क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं यही क्वेश्चन आएंगे, अलग से क्वेश्चन देंगे नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस पर आधारित है ये सारी चीज़ें। इसलिए देखिए, अगर ये आता है तो इसके जो क्वेश्चन दिए हैं इनको आप ऐसे करेंगे, देखना सभी, और सारे उत्तर बिल्कुल मैंने पहले लगा रखे हैं उनमें, समझना आप सब। देखिएगा, वाट इज़ द करेंट मेजरमेंट ऑफ एक्सप्रेस वे अंडर कंस्ट्रक्शन इन इंडिया, मतलब कि करेंट जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें कितना मेजरमेंट उन्होंने किया है, तो 2600, मतलब 2600 किलोमीटर, 2600 किलोमीटर आप उत्तर में याद रखेंगे। इसके बाद में वाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NHAI, तो NHAI जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो इसमें लिखेंगे बिल्डिंग अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ नेशनल हाईवे, मतलब कि नेशनल हाईवे को बनाना, अपग्रेड करना, मेंटेन करना, ठीक है, ये NHAI का कार्य होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ टू लेन नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, तो मतलब जो टू लेन नेशनल हाईवे है उसका मेजरमेंट आपको बताना है, तो 50,000 किलोमीटर, ठीक है, 50,000 किलोमीटर्स, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको दिया है व्हाट परसेंटेज ऑफ आर नेशनल हाईवे, तो 2% नेशनल हाईवे है, आपको ऐसे याद रखना है। इसके बाद में द मेजोरिटी ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया हैव टू लेन्स, मतलब कि टू लेन्स ज़्यादा है नेशनल हाईवे का, ठीक है, ऐसे याद रखना। अब सेक्शन बी वाले देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली गिवन द सुटेबल टाइटल एंड मेक्स प्रॉपर नोट्स, इसमें आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है और सुटेबल टाइटल देना है। और इसके बाद में जो क्वेश्चन है उसको समझो, आपको क्या क्वेश्चन दिया है, यू आर रवि, ठीक है, स्टडी एट गवर्नमेंट बॉयज स्कूल, राइट लेटर टू यूर प्रिंसिपल फॉर SLC या TC, मतलब SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, TC को ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स, ठीक है, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल, यहाँ पर सुजालपुर सिटी दिया है, ठीक है। और फिर आप सब्जेक्ट में लिखेंगे, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर SLC, आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन यूर स्कूल, माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड सुजालपुर टू भोपाल, सो आई कैन नॉट स्टडी एयर अलोन, काइंडली ग्रांट इशू मी माई SLC, बस दैट्स इट, इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू, अब आपको अपने फ्रेंड को इन्वाइट करने के लिए समर वेकेशन के लिए क्या करना है, लेटर लिखना है। और ऐसे में आपको दिया है यूज़ ऑफ साइंस इन डेली यूज़, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, टेररिज्म, यूअर आइडियल पर्सन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट अ पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द टॉपिक्स, इसमें पैराग्राफ लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, हेल्थ एंड योगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज और वाटर कंजर्वेशन, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है वो देखिए सेक्शन सी वाले जो क्वेश्चन है उसको समझेंगे प्यारे मित्रों सभी। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली जो अपडेट है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है सभी विषय की, ठीक है। इसके पहले भी हमने ऐसे ही 4-4, 5-5 सेट पेपर बताए जिनमें से सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है, दिस इज आवर एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, एनी 5 फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अरुण इज द, आपको इसमें द लिखना है, अरुण इज द टेलेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट देखिए, वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, तो इसमें आपको लिखना है वी शुड, और एक और मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए ऐसे भी बोला जाता है, वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर द ट्री, हमें हमेशा पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया है ना, वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, मतलब कि जो भीड़भाड़ वाली जगह होती है ना वहाँ पर हमें मास्क पहनना चाहिए, ये इसका सीधा हिंदी अर्थ होता है, ठीक है। देखिए, वर्क हार्ड यू विल फेल, तो यहाँ पर आपको लिखना है किसका यूज़ करना है और का आपको इसमें यूज़ करना है। और इसके बाद में आई परफेक्ट कॉफ़ी,
तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे, आपको इसमें लिखना है टू, आई आई प्रीफर है वो, आई प्रीफर कॉफ़ी टू मिल्क, टू मिल्क लिखेंगे, टू आपको इसमें यूज़ करना है, मिल्क के आगे टू लगाना है। भोपाल इज़ लार्जर, तो इसमें आपको देन ग्वालियर, देन का यूज़ करना है, भोपाल इज़ लार्जर देन ग्वालियर, मतलब कि भोपाल ग्वालियर से भी बड़ा है ऐसे। इसके बाद में आई एम नॉट गोइंग टू कॉफ़ी, आई एम इल, तो इसमें बिकॉज एंड एंड सो में से कौन सा यूज़ करना है, बिकॉज़ यूज़ करना है। आप लिखेंगे आई एम नॉट गोइंग टू कॉफ़ी बिकॉज आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू कॉफ़ी बिकॉज आई एम इल, ठीक है, तो आई के आगे बिकॉज लगाना है। देखिए नेक्स्ट, दे विल गो टू डेली, तो ए एन ऑन, तो इसमें ऑन लिखना है, ऑन मंडे, दे विल गो टू डेली ऑन मंडे, मतलब वे मंडे के दिन कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा, ऐसा है इसका अर्थ। हाउ हाउ शुगर डू यू टेक, तो हाउ मच लिखेंगे, हाउ मच शुगर डू यू टेक, ठीक है, हाउ मच शुगर डू यू टेक, ऐसे आप उसमें लिखेंगे। और ये जो डू एस डायरेक्टेड दिए हैं, ये आप अच्छे से हल करें, इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट आप जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपके सामने अब मैं बता रहा हूँ आपके सेक्शन डी के सारे उत्तर, देखिएगा ये सेक्शन डी के उत्तर आ चुके हैं। व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, तो इसमें आप लिखेंगे कुक्स। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैज़ द पोइट कंपेयर्ड द फॉग विथ, तो इसमें आप लिखेंगे कैट, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज आइस स्टैंड फॉर, तो हेटर्ड, हेटर्ड लिखेंगे। विच फिश इज़ फाउंड इन कावेरी रिवर, तो इसमें महाशीर, कावेरी रिवर में महाशीर नामक मछली पाई जाती है। बुद्धा मीन्स, तो इसमें नॉलेजेबल, बुद्धा मीन्स नॉलेजेबल, ठीक है, बुद्ध का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, बुद्धा मीन्स अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, तो यहाँ पर दिया है नॉलेजेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हु लिव्ड इन बगिन्स हाइट्स, तो इसमें वांडा लिखेंगे, वांडा इज द करेक्ट आंसर, वांडा इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, तो इसमें सी गुल, सी गुल, ठीक है, क्या आएगा, सी गुल आएगा, हिज फर्स्ट फ्लाइट से रिलेटेड है सी गुल। हाउ डिड द केक्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर, तो इसमें आप लिखेंगे इग्नोर्स, इग्नोर्स, जैसे मान लीजिए जो टाइगर है वो विजिटर्स को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, शेर जो है ना वो आने जाने वालों को इग्नोर कर देता है, ठीक है, वो जंगल का राजा होता है, अगर वहाँ पर हम गए घूमने के लिए, वो हमें दिखाई दिया मान लीजिए, तो हम कहीं में भी बैठे हैं तो वो अपने को इग्नोर कर देगा, कोई मतलब नहीं है कि इनको क्या करें, अब ये तो इग्नोर ही करना पड़ेगा, अगर हम वैसे ही पैदल चले जाए तो अपने को निपटा देगा वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, फालतू बातों से कोई मतलब नहीं है। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, देखिए इसमें आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और क्वेश्चनों का आंसर देना है, तो ये क्वेश्चन के सारे आंसर मैं दूंगा, पहले एक्सट्रैक्ट को हम देखते हैं कि एक्सट्रैक्ट कौन सा है। द मून कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लीन स्काई अबव मी, देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंस्ट्राइड, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर द फ्रेंड्स बैक टू इंग्लैंड, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड कुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली, आई लुकड एट माई वॉच एट द 30 इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब ये तो ठीक है, अब इसको अपन देखे हैं, इसमें क्वेश्चन जो दिया है उसके उत्तर, मेन तो उत्तर है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आए तो आप उत्तर याद रख लेंगे, इसलिए। हाउ वॉज द वेदर वेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, तो इसमें क्लियर आएगा, क्लियर इज द करेक्ट आंसर, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, द पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम, तो इसमें फ्रांस टू इंग्लैंड लिखेंगे, फ्रांस टू इंग्लैंड, मतलब कि जो पायलट है वो फ्रांस से इंग्लैंड गया था। इसके बाद में फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट आपका इसमें करेक्ट होगा। और इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस, मतलब इसको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए इनके आंसर लिखना है, तो समझो इसको। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, ठीक है ये वाला है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, फ्रॉम विच पोएम्स हैव द अबव लाइन बीन्स टेकन, तो द बाल पोएम, ठीक है द बाल पोएम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सिमिलर टू द वर्ड्स मेरिटी, मेरिटी जो मेरिटी दिया ना, इसका सिमिलर वर्ड जो होता है ना वो क्या होता है, हैप्पीली, हैप्पीली मतलब प्रसन्नता, खुशी, ठीक है, हास्य, आनंद, हैप्पीली,
ठीक है, हैप्पीली ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द बाल गो, तो इसमें लिखेंगे वेंट इन टू द वाटर, मतलब बाल कहाँ पर गई थी, पानी में चली गई थी, ऐसे आपको इसमें लिखना है। और ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन के बाद में आपको मैं बता रहा हूँ जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये सारी इनको समझना है आपको, बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट करके जाएंगे आप। मेंशन थिंग्स, थ्री थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डन, मतलब कि मनुष्य क्या करता है और जानवर क्या करते हैं, वो बताना है कितना, थ्री थिंग्स। इसके बाद में राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम अ टाइगर इन द जू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अ टाइगर इन द जू, इसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें समझना है आपको, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, और वाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर द पुलिस, इन वाट वे इन इज अनिल द अदर्स, ये थ्री मार्क्स के हैं, आई थिंक थ्री मार्क्स के हैं, बिल्कुल थ्री मार्क्स के ही हैं आपके ये। अब देखिएगा नेक्स्ट सेट पर उत्तर सहित सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल करेक्टली, तो इसमें अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे सारी चीज़ें। जिसने इस वीडियो को देखा ना पूरा, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसके जितने भी पोएम एक्सट्रैक्ट जितनी भी सारी चीज़ें आएंगी सारी इसमें दे दी, क्योंकि 4-5 सेट है, सारे के सारे आएंगे इसमें से ही, अलग से थोड़ी ना आएगा, पूरा सिलेबस पर आधारित है। इसलिए टुडे परहैप्स आवर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड्स पोलियो इज इन द सेबिन ओरल वैक्सीन, ये पोलियो वाला अगर आता है तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं ये समझे आप, पोलियो वाला आता है तो समझ लेना। द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ पोलियो, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है द टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू प्रिडिक्ट, फ्यूचर इज टू प्रिडिक्ट आएगा इसमें। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझेंगे, द नरेटर वाज द सेवेंथ इन ए फैमिली दैट हैड, तो इसमें एट चिल्ड्रन, दैट हैड एट चिल्ड्रन, पोलियो इज द ड्रीडेड डिजीज मेंटली अफेक्ट्स टू, तो इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन है ना उसको अटैक करता है और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसको अटैक करता है, कौन, पोलियो। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसको, वाट मेड द नरेटर लुक द फॉरिनर, तो इसमें लिखेंगे ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया, ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर, ये फॉरिनर के आगे वाला। और इसके बाद में ये आपको 12 वाला जो क्वेश्चन है इसको, मतलब सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसको समझेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। एन ओल्ड शेपर्ड, शेपर्ड मतलब होता है गडरिया, एन ओल्ड शेपर्ड वॉज प्लेइंग ऑन फ्लूट द मार्शलैंड्स आउटसाइड रोम, ठीक है, ये अगर आता है ना शेपर्ड वाला तो इसमें जो क्वेश्चन है वो समझो, क्वेश्चन समझना आपको। द फेरी वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्यूचर फ्लूट, ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देना है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको समझेंगे, वेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड, तो इसमें लिखेंगे चेंज्ड इन टू अ हैंडसम यूथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। द शेपर्ड वेंट टू रोम इन, तो इसमें लिखेंगे कोच, कोच इज द करेक्ट आंसर। वेन द शेपर्ड रीच्ड रोम ही, तो इसमें लिखेंगे प्लान्ड टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, प्लान्ड टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, ऐसे आप इसमें लिख देंगे करेक्ट। और नेक्स्ट है आपका, द क्वीन ऑर्डर्ड द शेपर्ड टू वेव्ड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा टर्नड ओल्ड एंड अगली, टर्नड ओल्ड एंड अगली। सेक्शन बी जो है इसको आप सेंट्रल आइडिया वगैरह देना रहता है इसमें, सूटेबल टाइटल, तो ये सूटेबल टाइटल वाला है बिल्कुल, और इसको जरूर दोनों को समझ लेना ये वाला। और ये आपको क्या लिखना है, फीस माफ़ी की एप्लीकेशन लिखनी प्रिंसिपल को, फीस ऑक्सीजन बिकॉज यूअर फादर जॉब्स हैज़ लॉस्ट, ठीक है, मतलब फीस माफ़ी की एप्लीकेशन ही है वो। इसके बाद राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज विच इज़ गोइंग टू हेल्ड ऑन 22 मार्च एट यूर सेल्फ रेसिडेंस, मतलब कि इसमें ब्रदर सिस्टर मैरिज का लिखना है, ठीक है, बाकी ये टॉपिक आपको दिए हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन सी है हमारा, इसको अपन देखते हैं क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा आता है, और वो जो ऊपर वाली चीज़ें दे रखी है उनको तो अपन ढूंढ के भी लिख सकते हैं, उत्तर उसी में रहता है उसका, तो ठीक है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज़ लेट, तो एन हावर, इसमें एन का यूज़ करना है। देर इज़ नॉट एनी लिखना है, देर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पूल,
बिल्कुल 100% इनमें से प्रश्न बनेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसमें, ठीक है। ही हैज़ रिटन मैनी पोएम्स, ही हैज़ रिटन मैनी पोएम्स। इसके बाद में देखिए, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, तो इसमें इन लिखना है, क्या लिखना है, इन लिखना है। और इसके बाद में देखिएगा, माई अंकल डीड ऑफ कैंसर। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए आपको, इफ़ या अनलेस, तो इफ़ लिखना है, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठोर परिश्रम करोगे, यू विल पास, तो आप पास होंगे, अगर आप कठिन जो परिश्रम है वो करोगे तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है। और हम भी यही चाहते हैं कि सभी पास हो जाओ, आप जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी इसमें, डोंट लीव दिस प्लेस अंटिल आई कम बैक। और ये डूएस डायरेक्टेड आपके सामने आ चुके हैं, डूएस डायरेक्टेड आपको जो दिए हैं, इन डूएस डायरेक्टेड का आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको जल्दी से जल्दी इनके उत्तर कर लेना, क्योंकि यहाँ इतनी जगह नहीं है कि मैं ऐसे लिखूँ हाथ से इसमें, ठीक है। याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले ले प्यारे मित्रों आप। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट जो आपको सेक्शन डी वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनके उत्तर, विच एरोप्लेन वाज द अदर फ्लाइंग, तो ओल्ड डाकोटा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हु वाज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन्स, तो इसमें राजवीर, ठीक है, राजवीर लिखेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप समझें, वाट हैज द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विथ, तो इसमें कैट लिखेंगे। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ठीक है। और इसके बाद में नंबर 5 वाला देखें, हु हैज़ रिटन द पोयम फायर एंड आइस, जो फायर एंड आइस है ये पोयम किसने लिखी है, तो इसमें आपको बताना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये, इन्होंने लिखी है। वाट इज कंट्रीज वेल्थ अकॉर्डिंग टू मंडेला, तो इसमें आपको लिखना है पीपल, कंट्री का जो धन है वो क्या है, जनता होती है, तो पीपल इसमें आपका करेक्ट होगा। द टाइगर लुक्स एट, तो इसमें लिखेंगे स्टार्स, जो टाइगर है वो तारे देख रहा था, ठीक है, द टाइगर लुक्स एट स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यंग सीगल हैज लुक ऑफ फियर, तो इसमें आप लिखेंगे फियर, द यंग सीगल हैज लुक ऑफ फियर, फियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसके बाद में ये आपको दिया है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, पेपर हैज मोर पेशेंट देन पीपल, पेशेंस देन पीपल, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन प्लेस दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम, तो इसके उत्तर देखो अगर पेपर वाला आए तो, इसके उत्तर आप समझना, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सरल चीज है ये, सिंपल से भी सिंपल है। देखिएगा, From which lesson has this text been taken? तो From the diary of Anne Frank. Option number 2 will be the correct answer. ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। और नेक्स्ट दिया, Who has more patience? Patience मतलब होता है धैर्य, धीरज रखना, ठीक है, धीरज धर्म, मित्र और नारी, आपत्तकाल परख है जासी, ठीक है। Who has more patience than people? तो इसमें पेपर लिखेंगे, पेपर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज सिमिलर टू वर्ड्स ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मतलब थॉटफुल इज द करेक्ट आंसर, थॉटफुल आपको सेकंड ऑप्शन में दिया है। और इसके बाद में ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वाट आई वी टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब देखो इसके उत्तर, सब इस पोयम के सारे उत्तर, हु इज द पोएट ऑफ दिस लाइन्स, तो रॉबर्ट फॉस्ट। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, तो फायर को उन्होंने डिजायर से कंपेयर करा था, फायर को डिजायर से कंपेयर करा था, डिजायर मतलब इच्छा। इसके बाद में विथ वूम डज द पोएट वांट टू स्टे, तो इसमें लिखेंगे दोज हु फेवर फायर विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में सर एनी 6 क्वेश्चंस, ये आपको 30 वर्ड्स क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन तो आपने याद कर ही लिए होंगे,
मैं मानता था कि आपने करे होंगे क्वेश्चन तो सारे कंप्लीट। और ये आपका नेक्स्ट जो सेट है इसको हम स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। द वेट ब्रदर्स द राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू लुक फॉर आइडियाज व्हेन बिल्डिंग दियर एरोप्लेन स्टडीड बर्ड्स। तो इसमें अब समझो आप, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप समझेंगे। सबसे देखिएगा सभी प्यारे मित्रों, द वाज इंस्पायर्ड, तो जो एरोप्लेन जो उन्होंने बताया बनाया था ना, वो किससे इंस्पायर्ड होकर बनाया था, तो बर्ड्स से, मतलब पक्षियों से, बर्ड्स आपका आएगा। द एरोप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाई बर्ड्स, ठीक है, ये आपका बर्ड्स करेक्ट उत्तर होगा। जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिएगा, बायो मिमिक्री रिफर्स टू डिजायर्स डिजाइन दैट में आर इंस्पायर्ड बाई नेचुरल थिंग्स, आर इंस्पायर्ड बाई नेचुरल थिंग्स मतलब प्राकृतिक चीज़ों से सीख कर समझ कर, ठीक है। इसमें आएगा बायो मिमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ड्स वर्ल्ड एज ए मेंटर, एज ए मेंटर, मेंटर कौन होता है, सिखाने वाला होता है मेंटर, ठीक है। देखिए इसके बाद व्हाट हैज हेल्प्ड सॉल्व मेनी ऑफ द चैलेंजेस इनकाउंटर्ड बाय मैन, तो इसमें आपको लिखना इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं नयापन, ठीक है, नई नई चीज़ों का आविष्कार होता है उसको इवोल्यूशन बोला जाता है, नयापन बोला जाता है। द टू इंस्टेंसेस ऑफ बायोमिमिक्री मेंशनड इन द पैसेज आर, तो इसमें आपको लिखना है एरोप्लेन एंड वेलक्रो, एरोप्लेन एंड वेलक्रो, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट है आपका ये वाला, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। मेरी वाज ब्लाइंड एट बर्थ, इसमें मेरी वाला आता है कि मेरी वाज ब्लाइंड एट द बर्थ, मतलब जो मेरी है वो जन्म से ही क्या थी, ब्लाइंड थी, मतलब अंधी थी। तो उसका आपको अगर आता है तो ये आप उत्तर लिखेंगे। देखिए, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड ब्लाइंड, जो नहीं देख सकता है वो क्या कहलाता है, वो ब्लाइंड कहलाता है। One who cannot see is called blind. Being able to see was, being able to see was, तो इसमें लिखेंगे something Mary was not happy with, something Mary was not happy with, ठीक ऐसे लिखेंगे। इसके बाद में according to the passage Mary's inability to see was, मतलब उसकी जो inability वो क्या है, तो present from her birth, कब से थी, मतलब birth से ही थी, जब उसका जन्म हुआ था तभी से थी। इसके बाद में मेरी गॉट अ जॉब आफ्टर शी कुड सी ऐसे आएगा इसमें। इसके बाद में फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन, अब पेन का सिमिलर वर्ड बताना है, एंग्विश, एंग्विश, एंग्विश इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद में ये जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें आपको नोट्स बनाना है, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद में ये जो प्यासा कौवा वाला है इसको समझ लो आप सभी। वन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन ब्लो राइट ए शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 75 वर्ड्स, अगर आपको ऐसे पिक्चर देंगे तो आपको 75 वर्ड्स में, मतलब 75 अंक में, 75 वर्ड में, आपको क्या लिखना है, 75 शब्द में इसकी स्टोरी बनाकर लिखनी है। क्या बनाकर लिखनी है, शॉर्ट स्टोरी बनाकर लिखनी है। तो ये प्यासा कौवा वाली मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इसकी स्टोरी आप बनाकर बता देना 75 वर्ड्स में। अब देखो वापस आपका सेक्शन सी आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, बिल्कुल इनको एक को भी आप भूलेंगे नहीं। ये सेट डी चल रहा है हमारा, बिल्कुल अच्छे से आप इसको सीखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, आई हैव, तो इसमें ए लिखेंगे, आई हैव अ पेन, आई हैव ए पेन, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट है आई हैव नॉट बॉट, तो आप लिखेंगे एनी मिल्क टूडे, आई हैव नॉट बॉट एनी मिल्क टूडे। इसके बाद में दे हैव बीन प्लेइंग हीयर सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग हीयर सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, किससे डरा हुआ था, वे कुत्ते से डरा हुआ था। इसके बाद में ही वॉन्टेड टू, तो इसमें becomes, becomes, becoming, तो इसमें become आएगा। ही वॉन्टेड, वह चाहता है कि वह क्या बने, ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर। अब देखो एक और बात समझ लो, अगर इंजीनियर आता है ना तो इंजीनियर के आगे एन लगता है, तो ये आर्टिकल भी आप सीख जाना इससे कि इंजीनियर जब हमारे सामने आता है तो एन इंजीनियर होता है वो, ठीक है। एन एमएलए होता है, एन एमएलए होता है, एन एमएलए होता है,
NMP होता है, ठीक है, ऐसे आप याद रखना, एन का यूज भी आता है, ठीक है। तो ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर। नेक्स्ट देखिए, माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। रिटायर या रिटायर्ड, तो इसमें रिटायर्ड लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो पूरी हो चुकी हुई चीज़ें होती हैं ना, उसके पीछे ईडी है। जैसे यहाँ पर लिखा है माई फादर इज ए टीचर, तो रिटायर या रिटायर्ड, तो इसमें रिटायर्ड लिखेंगे, ठीक है। ही अवॉइड्स टू स्ट्रेंजर, तो टॉक टॉक की जगह आ गया टॉकिंग, कि वो अवॉइड करता है, मतलब वेन अवॉइड करता है, इग्नोर करता है, क्या टॉकिंग स्ट्रेंजर, मतलब कि जिनको नहीं जानता है, जिनको वे नहीं जानता है, उससे बोलना अवॉइड करता है। ही अवॉइड्स टॉकिंग ए स्ट्रेंजर, टू स्ट्रेंजर ऐसे। ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, ठीक है, ऐसे आप इसमें लिखेंगे। और ये डूएस डायरेक्टेड आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने, इनका जल्दी से जल्दी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। टेक स्क्रीनशॉट दिस डूएस डायरेक्टेड, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू माई गाइज, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन डी आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, सेक्शन डी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, देखिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन N6। व्हाट आर द बेकर्स नाउन इन गोवा, तो पेडर, बेकर्स जो है ना वो क्या कहलाते हैं, पेडर कहलाते हैं गोवा में। इसके बाद में कूर्ग इज फेमस फॉर कॉफी, कूर्ग काय के लिए फेमस है, कॉफी के लिए फेमस है। और इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज असम पॉपुलरली नाउन इज, तो इसमें लिखेंगे टी कंट्री, क्या लिखेंगे, टी कंट्री आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर्ड, तो इसमें लिखेंगे पेशेंट्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ अनिस डायरी, तो इसमें किट्टी लिखेंगे। द पायलट वाज नॉट एबल टू, तो इसमें लिखेंगे सी एनीथिंग, द पायलट वाज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। और उसके बाद में हु वाज अलोन ऑन द लेज, तो इसमें यंग सीगुल लिखेंगे। लेंचो रोट ए लेटर टू, तो गॉड लिखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने इसमें कंप्लीट बता दी हैं।